हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम रील कैसे बना सकते हो, वो भी खुद की आवाज में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आवाज में कोई वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पर तुषार पहला, आकाश राणा, ग्रेविस सैनी और साहिल भट्ट जैसे जो क्रिएटर है, वो अपनी आवाज में वीडियो बनाते हैं, अगर आप भी उनकी तरह वीडियो बनाना चाहते हो, ये वाली वीडियो पूरा देख लेना। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, यानी कि आप कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, कैसे गन साउंड लगाना है, कैसे और ट्रांजेक्शन लगाना है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मैं टोटल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस वजह से पूरी वीडियो देखनी है बिल्कुल स्किप किए बिना। ओके, तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा काम है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं कि कैसे वीडियो बनानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या होगा, हमको अपनी वीडियो बनाने के लिए एक वीडियो शूट करना होगा। वीडियो शूट कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हमें जो वीडियो बनानी है अपने फोन के बैक कैमरे से वीडियो बनानी है, क्योंकि जो हम अपने फोन का बैक कैमरा यूज करते हैं वो ज्यादा मेगापिक्सल का होता है और जो हमारी वीडियो क्वालिटी आती है काफी इंक्रीज होती है। तो इस वजह से जब भी हमको वीडियो बनानी है अपने फोन के बैक कैमरे से वीडियो बनाना, इससे जो क्वालिटी आती है वो बेटर आती है। तो चलिए गाइस, इस तरह से एक वीडियो बना लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, पर जब तक कोई ना छेड़े। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के बाद अब चलिए करते हैं इस वीडियो को एडिट, कैसे इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, कैसे ट्रांजेक्शन लगाना, कैसे गन साउंड लगाना, टोटल आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलते हैं अब अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और करते हैं इस वीडियो को एडिट। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वीडियो को एडिट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा वीएन एप्लीकेशन के अंदर। ये देखिए, हमारी ये रही वीएन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमको इसको ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए सामने, सबसे पहले करना क्या होगा, हमारे सामने ये दिख रहा होगा आपको प्लस का आइकन, ये यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस का आइकन। सिंपल इस पर एक बार टैप करना है और टैप करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो सिंपल इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर टैप करना है और इसके बाद आपकी यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या होगा, अपनी वीडियो को ले लेंगे जो सी वीडियो आपको एडिट करनी है। ये देखिए, मैं वो वाली वीडियो ले लेता हूँ जो सी मेरे को एडिट करनी है। तो सिंपल लेकर यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिएगा इस, ये देखिए गाइस, हमारी जो वीडियो है टाइमलाइन के ऊपर आ चुकी है। तो करना क्या होगा, सिंपली सबसे पहले मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, पर जब तक कोई ना छेड़े। ये देखिए गाइस, सिंपल जी हमारी वीडियो अभी फिलहाल सिंपल है बिल्कुल, हमने कोई भी इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं की है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद ये जो सा इसका वाटर मार्क है ऐप का, सिंपल इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। डिलीट का ऑप्शन ला कर डिलीट होने के बाद सबसे पहले करना क्या होगा, हमको ये जो सा फालतू का पार्ट लगेगा हमको यहाँ से, ये देखिएगा इस जो शुरू का पार्ट है या फालतू का, जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस, सर ये इतना पार्ट हमारा फालतू का, क्योंकि मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे इस पर एक बार टैप करके यहाँ से लगाऊंगा, एक स्प्लिट वाला ऑप्शन है कैसे का ऑप्शन, इस पर लगाऊंगा एक कट और कट लगाने के बाद जो हमारी शुरू वाला पार्ट है इसको कर देंगे हम डिलीट, क्योंकि ये फालतू का पार्ट है, इसको कर देंगे हम डिलीट। और डिलीट करने के बाद अब हम फिर दोबारा से चलाते हैं। देखिए गाइस, शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, ये देखिए गाइस, अब अभी हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा है एकदम। तो उसके बाद सब क्या करना होगा, हमको इसके ऊपर लगाना होगा एक गन साउंड। तो गन साउंड कहाँ पे लगाना, चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, पर जब तक कोई ना छेड़े, ये देखिए गाइस, जहाँ पर हमारी जो डायलॉग है हमारा खत्म हो रहा है वहाँ पर हमको लगाना है गन साउंड। तो कैसे लगाएं गन साउंड, बहुत ध्यान से देखिए। सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टैप टू एंड म्यूजिक, इस पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा साउंड इफेक्ट्स। तो सिंपल इस पर एक बार टैप करके और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा मशीन, मशीन वाले ऑप्शन में जाना है। ये देखिएगा इस, कहीं से आपको गन साउंड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये गन, गन वाला ऑप्शन है, सिंपल इस पर यूज़ कर लेंगे और यूज़ करने के बाद ये देखिए हमारे सामने कुछ गन इस तरह का आ जाएगा। देखिए गाइस, चलिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ ना छेड़ा। ये देखिए गाइस, अगर हम इसको अपने तरीके से सेट कर लेंगे जहाँ पर हमको करना है, चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, जो मैंने अपना गन साउंड है वो ऐड कर लिया है। देखिए गाइस, इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको प्ले करके कहाँ पर ऐड किया है ना छेड़ा। ये देखिए, जहाँ पर मेरा डायलॉग खत्म हो रहा था उसके लास्ट में मैंने ऐड किया है। तो उसके बाद करना क्या होगा, जहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको जहाँ पर हमारा डायलॉग खत्म हो रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर एक लगाएंगे कट अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ पर कट लगाने के बाद हमको करना क्या होगा,
ये जो इसकी आवाज़ है, सबसे पहले इसको हम कर देंगे म्यूट। ये देखिए इसकी आवाज़ हम कर देंगे बिल्कुल म्यूट, और म्यूट करने के बाद ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमको इसके अंदर एक इफेक्ट्स लगाना हो, वो कैसे लगाएंगे चलिए देखिए। अपनी वीडियो क्लिक करिए, यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, सिंपल इस पर टैप करना है। कौन सा वाला इफेक्ट्स लगाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, जौन सा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये देख रहा होगा जेटर डाउन वाला। तो सिंपली आपको ये वाला क्लिक करना है, और ये देखिएगा इस, और राइट क्लिक कर देना है, ये देखिएगा सब ये गन साउंड के ऊपर कैसे मैच करता है। देखिए ना छेड़ है, ये देखिए इस कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पर देखने में भी हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए ना छेड़ है, इस तरीके बनने के बाद अब हमको करना क्या होगा, इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। वो कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले करना क्या होगा हमको, यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर एक बार टैप करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से जौन सा आपने ऐड कर रखा है वो वाला यहाँ से ऐड कर लेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर मैंने एक सॉन्ग ऐड कर रखा है ये वाला, चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए गाइस अभी मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो इसमें आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहाँ से आपको चाहिए जितना भी चाहिए। तो मैं जहाँ से चाहिए होगा मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस मेरा जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी आ रही है आवाज़। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा कहाँ पर हमारा कौन सा साउंड लगाना है, यानी कि फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइस, चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, पहले आप भी अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। ये देखिए गाइस मैंने जो अपना सॉन्ग है वो एडजस्ट कर लिया, उसके बाद करना क्या होगा यहाँ पर आना है। देखिए गाइस सबसे लास्ट माना जहाँ पर हमने कट लगाया था अपनी वीडियो के अंदर, तो सिंपली अपने सॉन्ग वाले उसको ऐड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे एक कट, और कट लगाने के बाद जोन सा आपका लास्ट का होगा, यानी कि लास्ट का डायलॉग बोल रहे हैं, यानी कि लास्ट का जो शब्द है उसको देखते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। ये देखिए गाइस तो हम यहाँ से लगाएंगे, देखिए गाइस सबसे पहले इसकी आवाज़ जो है हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये देखिए शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, पर जब तक कोई शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई। ये देखिए गाइस हमने 10 कर लिए इसकी, और यहाँ से देखिए गाइस 10 करने के बाद इसकी आवाज़ देखते हैं कहाँ से हमारा लास्ट का शब्द चल रहा है, यानी कि तो कोई। ये देखिए गाइस हमारा यहाँ से है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे म्यूजिक को, म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद एक कट और लगाएंगे, और बीच में जो बीच वाला जो वो है हम इसको वॉल्यूम जो है वो कर देंगे ओके। यहाँ से करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं हमारी वीडियो कैसी बनी है। देखिए गाइस शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, पर जब तक कोई छेड़ा। ये देखिए गाइस हमारी वीडियो कुछ इस तरह की बन चुकी है। देखिए गाइस शरीफ तो मैं भी हूँ मेरे भाई, पर जब तक कोई छेड़ा। ये देखिए गाइस हमारी वीडियो देखने में कितनी मस्त लग रही है। और दोस्तों अगर आपको इसके अंदर कोई टाइटल ऐड करना है, यानी कि टाइटल लिखना है कुछ, तो उसको कैसे लिखें यहाँ से दिख रहा होगा टैप टू ऐड सबटाइटल, सिंपल इस पर एक बार टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पर आपको टाइटल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ करके यहाँ से देखिए कोई से भी यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वो आ चुके हैं। तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं लिख रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल यहाँ से डिलीट। और डिलीट करने के बाद ये देखिए गाइस हमारी वीडियो कितनी मस्त बन चुकी है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो सिंपल इस पर एक बार टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जितनी क्लियरिटी में आप उसको रख सकते हैं, यानी कितनी क्लियरिटी में कितनी HD में आपको डाउनलोड करनी है आप वहाँ से रख सकते हैं, 4K भी रख सकते हैं, 1080 भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल इतने में रखने के लिए रखता हूँ, तो फिलहाल मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहीं से। देखिए गाइस तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे यार नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।